जिस वक्त इजरायली सेना ने लेबनान पर जमीनी हमला किया था, ठीक उसके पहले हिजबुल्ला बार बार इस बात को डंके की चोट पर कह रहा था कि वो दशकों से इस बात का इंतजार कर रहा है कि इजरायली फौज लेबनान की जमीन पर कदम रखे और हम लेबनान के भीतर ही आईडीएफ की कब्र को खोद कर रख देंगे। हालांकि लेबनान पर जमीनी हमला करने से पहले 27 सितंबर 2024 को आईडीएफ ने बेरूत एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला को ढेर कर दिया और इसके बाद इजरायली फौज ने लेबनान पर जमीनी हमला कर दिया था। लेकिन लेबनान की जंग इजरायली सेना के लिए एक ऐसी चढ़ाई साबित हो रही है जिसके छोर पर पहुंच पाना इजरायल के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इस बार युद्ध में अपनी रणनीति बदल ली है और वो पहले तो अपने बिछाए जाल में आईडीएफ को घुसने देता है और फिर एकदम से ही गोरिल्ला स्टाइल में वो उस पर धावा बोल देता है। और अब इसी वजह से आईडीएफ को रोजाना लेबनान में भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है। दरअसल लेबनान में 13 नवंबर 2024 को हिजबुल्ला के साथ मुठभेड़ में आईडीएफ के 6 जवानों की मौत हो गई और सितंबर में लेबनान पर जमीनी हमला करने के बाद से ये आंकड़ा सबसे बड़ा है जब एक ही दिन में आईडीएफ के 6 जवान मारे गए हों। आईडीएफ ने खुद इसकी जानकारी दी है। आईडीएफ का कहना है कि लेबनान के गांवों की दूसरी रेखा को पार करते वक्त ये जवान मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक सभी जवान गोलानी ब्रिगेड की 91वीं बटालियन का हिस्सा थे। आईडीएफ का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इन जवानों की मौत हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ गोलीबारी में हुई। दक्षिणी लेबनान के गाँव की एक बिल्डिंग में हिजबुल्ला के ये लड़ाके छिपे हुए थे जिनके ऊपर आईडीएफ ने गोलीबारी की और क्रॉस फायरिंग में ये जवान शहीद हो गए। आईडीएफ का कहना है कि इस गोलीबारी में एक अन्य सैनिक घायल भी हुआ है जबकि 4 सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक इससे पहले 2 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला के साथ जंग में 8 सैनिकों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने हिजबुल्ला के ऊपर जवाबी हमला किया है। इजरायली जेट्स ने बेरूत के उपनगरीय इलाके में कई हवाई हमले किए। आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के हथियार डिपो और कमांड सेंटर को मिट्टी में मिला दिया और इस हमले के बाद आईडीएफ ने 2 बिल्डिंगों का नक्शा जारी करके आम नागरिकों से कहा कि वो इन बिल्डिंगों से कम 500 मीटर की दूरी पर चले जाएं। आईडीएफ के मुताबिक उसने लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर भी एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ का दावा है कि इस रूट का इस्तेमाल हिजबुल्ला सीरिया के जरिए हथियार मंगाने के लिए करता था। आईडीएफ का ये भी कहना है कि इन रास्तों का इस्तेमाल हिजबुल्ला की यूनिट 4400 द्वारा ईरान से लेबनान में हथियार मंगाने के लिए किया जाता था।